Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Myself Nikita Gupta and I am back with another video. So another haul video. तो आज की जो video है, आज फिर से मैं दो product को compare करने वाली हूँ ये product को. तो आज मैंने दोनों product Meesho से मंगवाए हैं, लेकिन दोनों के price में बहुत ज़्यादा ही difference है और दोनों color में same है. तो आज मैं इसी का comparison करके आप लोगों को बताऊँगी, दोनों में difference बताऊँगी कि आपके किसके साथ जाना चाहिए, आपको ज़्यादा प्राइस वाला लेना चाहिए या आपको कम प्राइस वाला लेना चाहिए. तो आज मैं एक वाइट स्कर्ट लेके आई हूँ, एक नहीं दो वाइट स्कर्ट लेके आई हूँ, जो दोनों मैंने मीशो से लिया था और प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के. और दोनों का मैं क्वालिटी, लुक और सब कुछ बताने वाली हूँ और आपको ये भी लास्ट में बताने वाली हूँ कि आपको किस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, आपको कम दाम वाले लेने चाहिए या फिर आपको ज़्यादा दाम वाले लेने चाहिए. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. तो ये दो प्रोडक्ट है जो कि मैंने मीशो पे ही मंगवाया है. तो ये जो है ये कम दाम वाले हैं और ये जो है ये ज़्यादा दाम वाले हैं. तो पहले मैं कम प्राइस वाले जो प्रोडक्ट है उसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ. तो ये एक वाइट स्कर्ट है, जो वाइट स्कर्ट है ना और साइड से स्लीव कटे हुए रहते हैं उस टाइप के ये स्कर्ट हैं. तो देख सकते हो ये वाइट स्कर्ट मैंने मीशो से मंगवाया है. इसकी क्वालिटी देख सकते हो, इसका मटेरियल जो है इस टाइप की है और ये थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है और इसकी क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है. और इसमें इस टाइप की रबर लगी हुई है देख सकते हो और इसके साइड में देख सकते हो ऐसे कट हैं. तो ये मैंने 199 रुपीस में या 190 रुपीस में मीशो से मंगवाया है. तो ये लॉन्ग स्कर्ट बोल सकते हो, आपके जो घुटना है उसके नीचे आने वाला है और साइड में कट रहने वाला है. तो ये देख सकते हो वो सिंपल सा स्कर्ट है. तो इसकी जो क्वालिटी है मुझे अच्छी लगी, बट इसमें जो अंदर है इनर नहीं दिया हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा सी थ्रू है और वाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही सी थ्रू हो जाता है अगर उसमें इनर ना हो. तो ये सी थ्रू है, अदरवाइज इसकी जो लुक है बहुत अच्छी आ रही है, फिटिंग भी मुझे अच्छी आ रही है. ये मैंने 28 साइज में मंगवाया था और ये मुझे सही से फिट आ रहे हैं देख सकते हो, इस टाइप से स्कर्ट है और मुझे बहुत अच्छे से ये आ रहा है फिटिंग. बट इसमें ये है कि इसकी जो साइड में ये कट है ये घुटना के नीचे से है, मतलब ऊपर से कट नहीं है. तो साइड में लुक लगा दूंगी, आप देखना कि ये लुक कैसा दे रहा है. तो क्वालिटी वाइज ये अच्छा है, बस मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये लगा कि ये सी थ्रू है, अदरवाइज 190 रुपीज में ये मुझे बहुत अच्छा लुक दे रहा है और कट भी इसका जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप अनकम्फर्टेबल होते हो बहुत ज़्यादा ही कट वाला पहनने से तो आपको इशू नहीं होगा क्योंकि इसमें जो कट है वो नीचे से है. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और स्ट्रेचेबल भी है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये देख सकते हो. तो इसकी जो प्राइस थी 190 रुपीज़ से, तो 190 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अच्छा है, बट वाइट कलर में आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू हो जाएगा. तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप लो, अगर आप इसमें दूसरा कलर लेते हो ब्लैक या फिर कुछ और तो ये बहुत अच्छा होने वाला है, उतना सी थ्रू नहीं होगा. तो मेरी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जो मेरी नेक्स्ट स्कर्ट है जो कि प्राइस जिसका बहुत ज़्यादा है वो ये स्कर्ट है देख सकते हो, ये भी वाइट स्कर्ट है देख सकते हो. तो ये भी सेम वैसा ही लुक वाला वाइट स्कर्ट है, बट इसमें यहाँ पे थोड़ा चून चून है. अगर आप पिक में देखोगे ना तो दोनों स्कर्ट सेम ही दिखती है, इस वजह से मैंने मंगवा लिया था. बट जब ये आया तो मुझे इसका लुक पता चला, यहाँ पे देख सकते हो साइड में यहाँ पे चून चून का डिटेलिंग किया हुआ है, देन यहाँ से ही इसमें ऐसे कट है देख सकते हो. और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो मटेरियल है देख सकते हो, इस टाइप की मटेरियल है जो थोड़ा एकदम वाइट कलर में है और इसमें देख सकते हो इस टाइप का रबड़ है, बट ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है. तो अगर आप पहनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, अदरवाइज इसमें जो मटेरियल है इसमें लाइनिंग लगी हुई है तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. और लुक वाइज इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है और इसका जो कट है ये बहुत ऊपर से है, आपका जो थाई है वो थोड़ा दिखेगा. तो आप चाहो, अगर आप कंफर्टेबल हो कि आपका थाई दिखे तो आप इसे ले सकते हो, अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मत लेना क्योंकि इसके जो कट है बहुत ज़्यादा ऊपर से है और यहाँ पर चून चून है. और ये मैंने 460 रुपीज़ में मीशो से मंगवाया है देख सकते हो.
और ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, तो पहनते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने वाला है, अदरवाइज इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, तो देख सकते हो। और इसकी जो लंबाई है सेम जो पहले वाली वाइट स्कर्ट थी उसके बराबर ही है, जितना वो लंबा होगा घुटना से थोड़ा नीचे बोल सकते हो उतना इसकी भी लंबाई है और उसकी भी लंबाई है। तो लुक मैं दोनों का अटैच कर दूंगी ताकि आप देख के समझ पाओ कि कौन सा कैसा लुक देने वाला है। तो देख सकते हो इस टाइप की स्कर्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो अगर वो सी थ्रू नहीं होता वाइट कलर वाला जो कम दाम वाला है तो मैं उसके साथ जाती, बट वो थोड़ा सी थ्रू है इस वजह से मैं ये जो 460 रुपीज़ वाला है वो लूँगी, क्योंकि मुझे फिटिंग सही से हो रहा है जो मैंने मंगवाया है। शायद मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया था और मुझे अच्छे से फिटिंग हो रहा है और लुक भी ये बहुत अच्छा दे रहा है। तो मेरे से पूछा जाए तो मैं 460 वाला लूँगी, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। दोनों का मैं रिव्यू देती हूँ, लुक भी लगाती हूँ और लिंक मैं नीचे दे दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।